हाय फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सिलेबस और ये एक्ट ही बहुत मज़ेदार है. कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स दिस इज मोर इंटरेक्टिव. ठीक है, और ये थेरोटिकल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स जीएसटी में थेरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है. सो इट्स अ मोर फोकस्ड ऑन थेरी. ओके, नाउ अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम कैसे आगे बढ़ने वाले, मैं आपको बताता हूँ. मेरे पहले जो 3-4 लेक्चर होंगे, ये जीएसटी इंडिया में क्यों लाया गया ये मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा. इवन दो इट मे नॉट बी रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट अपने को पता होना चाहिए कि अपन जो लॉ पढ़ रहे हैं वो लाया क्यों गया. क्योंकि पुराने भी बड़े बड़े लॉ थे, एक्साइज था, वैट, सर्विस टैक्स, अपने नाम तो सुना रहेगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, तो अपन वहाँ से शुरुआत करने वाले हैं. तो पुराने एक्ट में क्या प्रॉब्लम था, जिसका नया जीएसटी क्यों लाया गया, वो सब पढ़ाने वाला. तो पहले 4 लेक्चर जो है आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्ड करने के लिए 4 लेक्चर लगेंगे. तो उसके बाद जीएसटी के आपको एक आइडिया आ जाएगा, फिर मैं एक्चुअल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा. ये भी पढ़ाई का ही पार्ट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस, बट पहले 4 लेक्चर थोड़ा आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा. ऐसा होगा नहीं कि आपने मेरा एक लेक्चर देख लिया और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि इट्स ह्यूज कॉन्सेप्ट. मेरे को आपको पूरा एक एक्ट लॉ पढ़ाना है, इंडायरेक्ट टैक्स में से पूरा जीएसटी आपको पढ़ाना है, वन नेशन वन टैक्स. तो यू कैन इमेजिन उसका स्कोप कितना बड़ा है. तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. तो एक 4 लेक्चर्स आप पूरे प्रॉपरली देख लेना, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली जीएसटी है क्या, ताकि आपको आगे पढ़ने में वो ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड फॉर जीएसटी, आज के लेक्चर में अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स टैक्स होता क्या है, एंड थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा मैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस आपको पता है. कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, हर एक लॉ का माई बाप कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन. ये लेक्चर मैंने डायरेक्ट टैक्स में भी लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है. इस बार भी लूंगा, मेरे को पता है भूल गए, सो डोंट वरी. अब मेरे को समझ में आता है, डोंट वरी, कि सर वो तो हम भूल गए कब पढ़ा था, सो डोंट वरी. सो मैं वो भी पढ़ाने वाला हूँ. इसलिए जो मेरा पहला आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिविजन. ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज टैक्स. ठीक है, तो आपको मेरे को आधा घंटा बेयर करना पड़ेगा. जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, जिन लोग भूल गए मैं उनके लिए एक बेसिक फटाफट रिविजन ले रहा हूँ. ठीक है, सो वेट फॉर 4 लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो पहला क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो अभी अपना फोकस है टैक्स होता क्या है, सबसे पहला वर्ड. ये मैंने डायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ाया था डे 1 को, मतलब पहले चैप्टर में. सो आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड कि बताइए टैक्स होता क्या है. इतनी सिंपल क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको, आप चिंता मत करना. यू आप सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जीएसटी एंजॉय करोगे, मेरी गारंटी है आपके पूरे सिलेबस में. इवन तो उसका वेटेज मतलब एक सब्जेक्ट भी हो, बट यू विल एंजॉय इट. हाँ बोलिए. करेक्ट, टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. उसमें दिया है टैक्स में डिफाइन एज अ पिक्यूनरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी ओनर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट. तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है. सो टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये भी आपको याद है, आई नो दैट. बोलो पहला कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, नाउ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का बाइफिकेशन आपको पता है, एक बार रिवाइज करते हैं. क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम पे पड़ता है. सो इनकम टैक्स इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसने इनकम अर्न किया उसके ऊपर बर्डन आता है, इसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते. इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स. और एक डिफरेंस क्या है जो आप सबको बताए, बताइए. डायरेक्ट टैक्स इनकम पे है, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स एंड सर्विस. और एक अपन ने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. व्हाट इज प्रोग्रेसिव, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे आपका लायबिलिटी बढ़ेगा. एंड जीएसटी इज अ रिग्रेसिव इन नेचर. ये मैंने एग्जांपल दिया था पार्ले जी बिस्किट. पार्ले जी बिस्किट मैं परचेस करूं या मिस्टर अंबानी परचेस करे, उस पर जो जीएसटी है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है. तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न. ठीक है, अच्छा और क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में. डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन कॉस्ट है वो कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा ज़्यादा रहता है. इनडायरेक्ट टैक्स में कम रहता है क्योंकि
वो बाय डिफॉल्ट अपन पे करते हैं, अपने को पिंच नहीं होता है। मतलब जब भी आप कोई चीज खरीदते हो उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, तो पे करते समय अपने को इतना क्विक रियलाइज नहीं होता कि हमने इस पे जीएसटी दिया है। आप मूवी देखने जाते हो, आप पूछते हो टिकट कितना है, 300 रुपये, यू पे 300, आपको पता नहीं कि उसमें जीएसटी क्या रहता है, इंक्लूड रहता है, तो उसका इंपैक्ट समझ में नहीं आता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन थोड़ा गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें भी लोग चोरी करते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना आसान होता है क्योंकि सामने लोगों को पता नहीं चलता कि मैंने टैक्स दिया। फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलता ये प्रोडक्ट 300 में लो, आप 300 रुपये लेके प्रोडक्ट निकल लीजिए, आपको क्या पता उसमें क्या इंक्लूड है। अभी आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आप सोचते इसमें कितना टैक्स रहेगा, बट कॉमन मैन उसको नहीं समझ में आता है। बच्चे जाके चॉकलेट लेके आता है, 5 रुपये का चॉकलेट लेके आया, उसको क्या पता उसमें इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में वैसे नहीं होता है, सामने लोग को पता चलता, अरे मेरा फायदा हो गया, पहले वो खुश होता है, बाद में दर्द होता है, अरे इस पर टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट रियलाइजेशन इज देयर इन इनकम टैक्स। इसलिए वहाँ पे लोग इवेजन वगैरह ज़्यादा करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। इंडिया टैक्स में क्या बर्डन अपन पास ऑन करते हैं ना, मेरे जब इसमें इंपैक्ट नहीं आता है, जो एंड यूजर है उसमें इंपैक्ट आता है। माई जॉब इज ओनली टू पास ऑन द बर्डन, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश भी आपको एक बार पढ़ना, आपको बताइए। नाउ अभी थोड़ा मैं आपको इन डेप्थ लेके जाना चाहूँगा। ये तो अपन ने पढ़ा है, एक 5 मिनट का रिविजन हो गया। ये पहले सर पहले डायरेक्ट टैक्स आया, पहले इनडायरेक्ट टैक्स आया? पहले इनडायरेक्ट टैक्स आया, डायरेक्ट टैक्स बाद में आया है ना। डायरेक्ट टैक्स अभी, मतलब जितना इनडायरेक्ट टैक्स पुराना है उतना डायरेक्ट टैक्स पुराना नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स 2000 साल भी पुराना बोल सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ, उस समय लॉ नहीं था बट इनडायरेक्टली हम टैक्स पे कर रहे थे। पुराने जमाने में क्या होता था, लेट से मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को आपको टेरिटरी में आके गुड्स बेचना है। तो पुराने जमाने में राजे महाराजे होते थे, किंगडम होते थे, वहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह नहीं होता था। तो अगर मेरे को आपके टेरिटरी में आके अगर गुड्स बेचना है, तो उस एरिया का जो राजा रहेगा मेरे को उसको गिफ्ट ऑफर करने पड़ते थे। क्या करने पड़ते थे, गिफ्ट ऑफर करने पड़ते थे, करेक्ट ना। सो दैट मीन्स इनडायरेक्टली, मतलब उससे क्या हो गया, देखो अभी एग्जाम्पल देता हूं, ये ए है, ये बी को सेल करना चाहता है गुड्स, ठीक है। जीएसटी में सप्लाई वर्ड यूज होता है, अभी अपन सेल मानते हैं जो आपको समझ में आता है। तो उसके पास क्वांटिटी है 1000, बट अगर बी को सेल करना है तो उस एरिया में जो राजा है, किंग है, उसको गिफ्ट देने पड़ते हैं। तो उसने राजा को गिफ्ट दिए 100 क्वांटिटी, तो बचे कितनी क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी, और इसका कॉस्ट 2 लाख रुपया है। तो अभी ए जो बी को चार्ज करेगा ना, वो 2 लाख अपॉन 1000 नहीं करेगा, 2 लाख अपॉन 900 करेगा। तो जो 100 का बर्डन जो है वो बी के ऊपर पास हो जाएगा, क्योंकि राजा को तो अपन ने फ्री में दे दिया ना, राजा ने पे नहीं किया है, उसको लेंगे पे कर तो तुमको मार डालेगा, सूली पे चला देगा, बोल रहे तुम मेरी एरिया में बेच रहे हो ना, उसका वो टैक्स है। तो ये जो कस्टम था ना, इस कस्टम मतलब ट्रेडिशन, इसको उठा के नाम दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्टली बी को कॉस्ट तो 2 लाख ही पड़ेगा, लेकिन यूनिट्स कितने मिलेंगे, 900। तो ये 100 का बर्डन किस पे पास ऑन हुआ बताओ, बी पे पास ऑन हुआ, इसलिए उसका नाम क्या दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। उसका बर्डन हम क्या करते हैं, पास ऑन। देखा जाए तो वो ए का कॉस्ट है, ए ने 100 के गिफ्ट दिए, बट उसने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं कंज्यूमर पे क्या करूंगा, पास ऑन करूंगा, इसलिए उसका नाम रखा गया इनडायरेक्ट टैक्स। ये उसका एक्चुअल हिस्ट्री है। एंड फिर बाद में फिर 1600 सेंचुरी, 1500 सेंचुरी से फिर डायरेक्ट टैक्स आया, उसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों आया वो भी, तो बाद में अपने को ईयर से लेना देना नहीं है। सो ऐसे उसका ये हुआ है। तो ये जो 100 का जो गिफ्ट दिया है राजा को, उसका कॉस्ट किस बेचारे ने बेर किया, बी ने बेर किया। तो कॉस्ट तो 1000 का है, लेकिन क्वांटिटी कितना मिला, 900। तो 100 का बर्डन हमने क्या कर दिया, बी के ऊपर पास ऑन कर दिया, जो ए के ऊपर आ रहा था, क्योंकि उसको बी को बेचने के लिए कंडीशन था ना, आई कैन नॉट सेल इट टू बी अनलेस आई ऑफर गिफ्ट टू किंग। सो दिस इज द कॉस्ट फॉर गिविंग इट टू द बी। ए के लिए वो कॉस्ट नहीं है, बोल रहे मैं क्यों बेयर करूं, बी गुड्स चाहता है इसलिए वो मेरे को देना पड़ रहा है राजा को पैसा, तो इसलिए वो कॉस्ट बी ही बेयर करेगा, एंड दैट्स व्हाट इज नेम्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए उसको बोला क्या जाता है,
इनडायरेक्ट टैक्स ए ने ए का बर्डन क्या किया, बी पे पास ऑन किया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये ऐसे, तो उसको कॉस्ट 2 लाख देना पड़ेगा और यूनिट्स कितने मिलेंगे, 900 ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये था एक बेसिक लॉजिक इनडायरेक्ट टैक्स बना कैसे। अच्छा भाई, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? जीएसटी आता है और कस्टम आता है। पहले जो था वो सब सब्स्यूम हो गए जीएसटी में, कस्टम सब्स्यूम नहीं हुआ है। कस्टम ड्यूटी बिफोर जीएसटी भी था और आज भी है। सो एज पर एकेडमिक इंटरेस्ट इज कंसर्न, मतलब अभी अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही लॉ बचे, कौन से, जीएसटी एंड कस्टम। मैं एक जस्ट ओवरव्यू ले रहा हूं, आपने को उतना ही पढ़ना है जितना आपने सिलेबस में है। मैं आपको एक ओवरऑल ब्रॉडर सेंस में बता रहा हूं कि अभी एकेडमिक लेवल पे अपने को इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही बचे हैं, एक कस्टम और दूसरा जीएसटी, बाकी सब सब्स्यूम हो गए। ओके, नाउ अभी तो ये डिफरेंस है, एक बार आप पढ़ के रखना, डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग अहेड एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। देखो आपको आ रहा है क्या समझ में, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने क्या कहा, हम बर्डन को क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। क्या करते हैं, बर्डन को पास ऑन करते हैं, क्योंकि जिसको कंज्यूम करना है वो उसका कॉस्ट क्या करेगा, बेयर करेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए। ये ए ने बी को गुड्स सेल किया है, उसका प्राइस 1000 रुपीज है और उस पर जीएसटी 180 रुपीज है। ठीक है, ए का सेल प्राइस है 1000 रुपीज। ओके, तो बी के लिए प्राइस कितना रहेगा, टोटल परचेस प्राइस 1100 रुपया। तो बी 1100 से ए को दे देगा और ए क्या करेगा, 1000 रुपये खुद के पास रखेगा और 180 किसको पे करेगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि वो उसका रेवेन्यू नहीं है। सो 180 विल गो टू गवर्नमेंट, सिंपल एज दैट। बर्डन 180 का हमने क्या किया, बी के ऊपर पास ऑन किया। बी अगर बेचेगा तो आगे नो भी क्या करेगा, बर्डन पास ऑन करेगा। सो टिल फाइनल कंजम्पशन टेक्स प्लेस उसको क्या करना है, पास ऑन करना है, सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस। अभी मैं एक ही बात कर रहा हूं, नाउ इफ आई ओपन पीएनएल अकाउंट ऑफ ए, पीएनएल के क्रेडिट में अपने को क्या दिखेगा, बाय सेल 1000 रुपीज। अभी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये मैंने डायरेक्ट टैक्स में बहुत बार बोला है, जहां पे सेल परचेज दिए जाते हैं वो ऑलवेज विदाउट टैक्स होते हैं, क्योंकि टैक्स अपना रेवेन्यू नहीं है। तो पीएनएल में कभी भी टैक्स नहीं दिखाते, दिखाएंगे तो उसका फिर अकाउंटिंग अलग तरह से करना पड़ता है। बट मेजोरिटी जितना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, हम जब सेल दिखाते हैं तो हमेशा हम कैसे दिखाते हैं, विदाउट जीएसटी। वी जीएसटी दिखाए तो नीचे उसका डेबिट में पूरा अकाउंटिंग करना पड़ता है, फिर तो उस थोड़ा तकलीफ बढ़ता है। फिर दिस इज द सिस्टम, क्योंकि मेरा रेवेन्यू नहीं है। अभी ये सेल 1000 रुपीज हो गया, अभी एज्यूम करो इसमें से एक्सपेंसेस है सब मिला के 720, तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है, 280 रुपीज है, मेरा मतलब ए का, बराबर है। अच्छा, ये इस पे क्या देगा ए, और इस पे क्या दिया, जीएसटी। हाँ, खाली देने वाले लोग अलग है, 1000 पे जीएसटी कौन दे रहा है, बी, और इस पे इनकम टैक्स कौन दे रहा है, ए। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई। अभी ए आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, एज अ कंसल्टेंट आपको आंसर देना है। उसका कहना है कि सर 1000 रुपए पे डबल टैक्स हो रहा है, 1000 रुपए पे गवर्नमेंट को 180 भी मिल रहा है, प्लस 1000 में जो मेरा प्रॉफिट इंक्लूड है 220, उसमें भी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मिल रहा है। हाँ, आई एग्री दैट आई एम नॉट पेइंग बोथ द टैक्सेस, जीएसटी इज पेड बाय समवन एल्स, जीएसटी इज पेड बाय बी एंड इनकम टैक्स इज पेड बाय मी, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी ट्वाइस, सो देयर इज अ डबल टैक्सेशन, इट्स कॉल्ड द डबल टैक्सेशन। ये मैंने वर्ड क्यों यूज किया, रीजन बता दो, एग्जाम्पल देने का, जीएसटी एलिमिनेट सच डबल टैक्सेशन, बट ये डबल टैक्सेशन है नहीं, बट एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके, तो उसका एक कनेक्शन आगे आएगा। तो यहां पे अभी आपको बताना है कि ये डबल टैक्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका कहना तो सही है कि ऑन 1000 रुपीज गवर्नमेंट इज टेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम बी 180 एंड डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम मी 220 पे जो भी टैक्स आएगा, 10% स्लैब में हो, 5%, 20%, 30%, 3 स्लैब्स है डायरेक्ट टैक्स में, आपको पता है।
तो बोलो डबल टैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है डबल टैक्स. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों लॉ के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मैं काफी स्टूडेंट को पूछ चुका हूं, मतलब हमारे पास आर्टिकल के लिए स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं उनको एक ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, दे आर नॉट एबल टू आंसर. या आपके कोई भाई बहन रिश्तेदार है जो स्टूडेंट है, उनको पूछना डबल टैक्सेशन हो रहा है, जस्टिफाई करो कैसे नहीं हो रहा है. कंफ्यूज हो जाते वो, क्योंकि उनको लॉ का बेस नहीं पता है. डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, दोनों लॉ जो है, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है. डायरेक्ट टैक्स लगाने का रीजन क्या है कि अगर 280 तुम्हारे पास रह गया ना, तो पूरा पैसा तुम्हारे हाथ में रहेगा. गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा रहे, तो जैसे तुमको पैसा मिलता हम तुमसे वो अमाउंट छीन लेंगे. सो दैट देयर विल नॉट बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स लाया है. सो डायरेक्ट टैक्स लाने का लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी के हाथ में पैसा एक्यूमुलेट हो. तो क्या होगा? रिच विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर विल बिकम मोर पुअर. ये ना होगा. तो ये इनकम का इनइक्वालिटी ना हो, इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट टैक्स लाया गया. दैट इज अ होल कॉन्सेप्ट कि जीएसटी इतना पुराना है, डायरेक्ट टैक्स अभी क्यों आया? अभी गवर्नमेंट, अभी मतलब काफी पुराना है वो, बट गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अरे देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल विच वी डोंट वॉन्ट. इकोनॉमी सफर होगा उससे, तो उनसे भी पैसा हम छीन लेंगे बाय वे ऑफ डायरेक्ट टैक्स. सो टेक्निकल लेवल पे देर इज नो डायरेक्ट टैक्स, देर इज नो डबल टैक्सेशन, मीन्स दोनों अलग अलग है. ओके चलो, तो ये थे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, ओके. नाउ ये मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही दिया है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं. देखो क्या क्या है. हायर रेवेन्यू प्रोडक्शन, डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा रहता है, क्योंकि टैक्स रेट कितना रहता है आपको पता है, हाईएस्ट. डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% है, इवन अपने लिए भी 30% है, फॉरेन कंपनी तो 40% प्लस सेस सरचार्ज, तो बहुत ज्यादा आ जाता है वो. एंड कंपनी का प्रॉफिट हजारों करोड़ में रहता है. कंपनी लाइक रिलायंस, दे आर पेइंग 10,000 प्लस करोड़ टैक्स एवरी ईयर. यू कैन इमेजिन, तो दैट इज द प्रॉब्लम. देन तो मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. अच्छा, इसमें इवेजन क्यों नहीं होगा? मैंने कहा कि सामने लोग को पता नहीं चलता कि मैं टैक्स दे रहा हूं. वो जो भी पैसा खर्च करता है इसमें ऑलरेडी क्या रहता है? इंक्लूड रहता है. आप अमेजोन पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, यू फोकस ओनली ऑन डिस्काउंट. वंस यू गेट डिस्काउंट विल बाय इमीजिएटली, बट दैट प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. तो अपन दे तो देते हैं, बट अपने को इतना पिंच नहीं होता है, क्विक रियलाइज नहीं होता कि हम दे रहे हैं, इसलिए उसका कलेक्शन, मैंने कहा इसलिए इवेजन कम होता है. एंड सेकेंड रीजन इवेजन का क्या कम है, रीजन क्या है? क्योंकि मैं बर्डन को पास ऑन करता हूं. मैं अगर एक प्रोडक्ट 1,000 का बेच रहा हूं, तो 180 मेरे को उससे लेके भरना है ना, तो इसलिए वो इवेजन कम होता है, बिकॉज अपने को बर्डन पास ऑन करना है. लेकिन डायरेक्ट टैक्स में इवेजन क्यों ज्यादा होता है? बर्डन पास ऑन नहीं होता, बर्डन मेरे पे आता है. ठीक है, वाइड कवरेज. मैंने कहा इंडायरेक्ट टैक्स में सभी गुड्स एंड सभी सर्विसेज कवर्ड है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में आप सबने पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स कौन देता है. अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, बताओ आर यू पेइंग डायरेक्ट टैक्स? नो. आर यू पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स? यस. क्योंकि आप जो भी आप यहाँ पहने के लिए बस से आ रहे हो, या आपने टू व्हीलर लिया उस पर जीएसटी है. पेट्रोल, पेट्रोल छोड़ दो, पेट्रोल गलत वर्ड आ गया, पेट्रोल इज आउट ऑफ जीएसटी, पढ़ाऊंगा मैं आपको. सो ऐसे बहुत सारे हैं. आपने क्लास ज्वाइन किया उसमें जीएसटी है. तो जीएसटी का जो कवरेज है गुड्स सर्विस, वो बहुत बड़ा कवरेज है. इनकम टैक्स में आपको होता है 5 ईयर्स ही है, और यहाँ पे 5 ईयर्स नहीं, यहाँ पे सभी गुड्स एंड सभी सर्विसेज कवर्ड है, तो स्कोप ज्यादा है. प्लस वहां पे 2.5 लाख का एग्जम्पशन है अपने लिए. जीएसटी में कोई एग्जम्पशन है क्या आपको? नहीं है. सो देर आर नो एग्जम्पशन गिवन इन जीएसटी. हाँ, कुछ एग्जम्पशन होते हैं, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं कि इस प्रोडक्ट पे जीएसटी आएगा ही नहीं. इनकम टैक्स में थोड़ा अलग होता है, तो ये एडवांटेज है. डीमेरिट्स एक ही ध्यान में रखना है, कौन सा? रिग्रेसिव. व्हाट इज रिग्रेसिव? मैंने बता दिया है, बाकी कुछ पढ़ो मत आप. ठीक है, ओके. नाउ अभी तो ये था बेसिक डिस्कशन अबाउट टैक्सेशन. तो यहां तक जो मैंने पढ़ा है वो ओनली आपके नॉलेज के लिए था, एग्जाम बट इसमें से कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग अहेड अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड. क्योंकि लॉ कोई भी हो, हर एक लॉ का माई बाप कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन. तो जरा देखते हैं. अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट टैक्स में भी कवर किया है, बट इसका थोड़ा मैं अभी एडवांस लेवल पे आपको रिवीजन ले रहा हूं कि क्या होता है एग्जैक्टली. तो क्या क्या पता आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में?
यस बोलिए। यस हाँ कुछ याद आ रहा है क्या? आप सबने पढ़ा है, आई नो दैट आपने पढ़ा है श्योरली। हाँ तो पहले बताइए सिंपल क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है आपके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक लॉ। हाँ तो मतलब अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेवेंस क्या है? पार्लियामेंट उसी के ऊपर लॉ बना सकता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हो। अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बना 1950 बना है, तो उस समय जो लिखा गया था उसी के ऊपर क्या बनते हैं? लॉ बनते हैं। अभी मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब जीएसटी 2017 में आया है, 1950 में नहीं लिखा गया था कि जीएसटी लगाओ, उस समय जीएसटी के पहले लॉ के बारे में लिखा गया था। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी लगता है, आपने पढ़ा रहेगा शायद। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जीएसटी वर्ड लाया गया कि हाँ भाई लोगों के ऊपर तुम जीएसटी लगाओ, फिर पार्लियामेंट को पावर दिया गया एंड फिर वो लॉ बना। ये मेरा मैं आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लेके जा रहा हूँ। जो आपने पढ़ा है वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आज कुछ अलग पढ़ाने वाला हूँ। वो लिस्ट वन क्या है, लिस्ट टू सब आपको पता है, आई नो दैट। ये मैंने खुद पढ़ा डायरेक्ट टैक्स में, पर डायरेक्ट टैक्स में मेरा पढ़ने का पर्पज अलग था, यहाँ पे अलग है। तो ध्यान में रखना, जब जीएसटी आया तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। सो 1950 में नॉट ए सिंगल वर्ड मेंशन रिगार्डिंग जीएसटी। सो फर्स्ट वी हैड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड वर्ड जीएसटी, एंड फिर एज यू सेड, फिर पावर किसको दिया गया? पार्लियामेंट। वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फिर करेक्ट है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? उसने सही कहा, इट गिव्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के ऊपर लॉ बनते हैं, आपको पता है सब। ओके नाउ अपन ने तीन लिस्ट पढ़े हैं, ये भी आप सबने पढ़ा है, अरे हाँ या ना? हाँ डायरेक्ट टैक्स में मैंने खुद पढ़ा है, ये आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहेगा। तो बताओ लिस्ट वन क्या होता है, कुछ ज्यादा रहा है क्या? क्या होता है लिस्ट वन? लिस्ट वन में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी ये लिस्ट वन में आता है। क्या पता है? तो कस्टम ड्यूटी एंड डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लिस्ट टू, लिस्ट टू में जो भी रेवेन्यू हो किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। याद करो मैंने डायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ाया था, एग्री इनकम का पावर स्टेट को है, ठीक है? स्टेट ने एग्री इनकम पे टैक्स नहीं लगाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एग्री इनकम पे ऊपर टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को है। वो इंप्लीमेंट कभी नहीं करेंगे, उसका मैंने आपको लॉजिक भी कहा था। तो स्टेट लिस्ट में क्या था बिफोर जीएसटी वाले जो लॉ थे, वैट सीएसटी, बताऊंगा मैं, डिस्कशन करूंगा, ये वहां पे था। अच्छा लिस्ट वन में कौन सा था? एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था। मतलब पहले तीन इंडायरेक्ट टैक्स लिस्ट वन में होते थे, कौन से? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। मैं पढ़ाने वाला आपको जितना रिक्वायर्ड उतना। एंड लिस्ट टू में दो होते थे, वैट एंड सीएसटी। तो ऐसे इंडायरेक्ट टैक्स का बंटवारा हुआ था, कुछ इंडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल लगाती थी, कुछ इंडायरेक्ट टैक्स स्टेट लगाती थी, दोनों मिलकर लूटते थे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही लूटता था। ये हो गया। अच्छा लिस्ट थ्री क्या जरा बताओ, अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है जीएसटी में। अगेन आई एम सीइंग, मैं आपको उस अप्रोच से नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपने पढ़ा है, कुछ तो नया पढ़ा रहा हूं। लिस्ट थ्री का रिलेवेंस तो बताओ। लिस्ट थ्री में दोनों को पावर दिए जाते हैं। लिस्ट थ्री को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे सेंट्रल एंड स्टेट कैन हैव देयर ओन लॉज। सर एग्जाम्पल दो, लाइक इंडिया में मेजर चैलेंजेस क्या है? टेररिज्म एंड वुमन सेफ्टी। सो वी कैन हैव सेंट्रल लॉ एज वेल एज वी कैन हैव स्टेट लॉ, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। दोनों को पावर दिया गया है। वुमन सेफ्टी इज अ मेजर चैलेंज फॉर अस, आपको बताइए, बताने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा क्या है? टेररिज्म, दीज आर द मेजर चैलेंजेस, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये दोनों को पावर है। सो सेंट्रल विल हैव देयर ओन लॉ एंड स्टेट विल हैव देयर ओन लॉ। नाउ लिसन केयरफुली, लेकिन जीएसटी जो था वो वन नेशन वन टैक्स था। तो कॉन्करेंट में उसको लाया गया, लेकिन दोनों को एक समान पावर दिए गए। मतलब दोनों अलग अलग लॉ नहीं बना सकते, फिर वन नेशन वन काय का होगा? ये मेजर डिफरेंस है। सो जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। दोनों को पावर दिए इसका मतलब वो नहीं जो पहले वाला था, दोनों को सेम लॉ बनाने के पावर दिए गए। अर्लियर क्या था?
एक इशू एक विषय पे लॉ बनेगा बट सेंट्रल कैन हैव देयर ओन लॉ एंड स्टेट कैन हैव देयर ओन पॉलिसीज. सो वुमन सेफ्टी टेररिज्म सेंट्रल कैन पास डिफरेंट बिल स्टेट कैन पास डिफरेंट बिल पॉसिबिलिटी है. जीएसटी उनको उस फुटेज पे नहीं रखना था क्योंकि वन नेशन वन टैक्स तो वो सेम होना चाहिए था. दोनों को पावर दिए गए बट एक लॉ बनाने के पावर दिए गए. लॉ जो बनेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा. तो ये नई चीजें मैंने आपको बताई कॉन्स्टिट्यूशन में. आपको समझ में क्या क्या नया बताया मैंने. ओके तो क्या क्या नया बताया रिगार्डिंग जीएसटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी कि कॉन्करेंट लिस्ट में पहले जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जीएसटी का नाम क्या करना पड़ा ऐड करना पड़ा. तो उसके अमेंडमेंट्स कैसे हुए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. सेकेंड नया पॉइंट मैंने क्या बताया कॉन्करेंट लिस्ट का आपका पहले का अंडरस्टैंडिंग और आज का अंडरस्टैंडिंग अभी अलग है. कॉन्करेंट पहले भी था आज भी है बट एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न क्या अलग है बताओ. पावर दोनों को है बट लॉ सेम ही होगा. ये दो चीज आपको समझ में आ गई गुड. अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नाउ कुछ ज्यादा रहा ये आर्टिकल तो सेम ही आपने पढ़े रहेंगे आई थिंक आप सबने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है. बताओ क्या है आर्टिकल 3 आर्टिकल 245 246 265 आर्टिकल 245 जो उसने कहा था वो कि ये पार्लियामेंट को पावर देता है. क्या देता है पावर कि तुम लॉ बनाओ ठीक है. नाउ आर्टिकल 246 क्या है अभी अपन ने जो पढ़ा ना लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री. इंडिया इज अ फेडरल स्टेट कुछ सुना है कि नहीं. व्हाट इज फेडरल स्टेट अपन बंटवारे पे काम करते हैं. तो ये जो लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री में कौन से टैक्सेस आएंगे ये आर्टिकल 246 ने आपको पढ़ा है जो मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स में कवर किया है. अगर इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ा आर्टिकल 246 इसलिए आर्टिकल 246 ए लाना पड़ा. क्यों अरे आर्टिकल 246 में क्या बोला था कि एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स लिस्ट वन में आता है वैट एंड सीएसटी लिस्ट टू में आता है बट इन दोनों को कहां पे लाना था उनको कॉन्करेंट लिस्ट में लाना था दोनों को इक्वल फुटेज देना था. इसलिए यहां पर भी अमेंडमेंट करके आर्टिकल 246 ए लाया गया एंड फिर वो कॉन्करेंट में आ गया. इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं. तो ये जो मैं आपको नए नए पॉइंटर्स पढ़ा रहा हूं ना ये मैं आगे कवर करने वाला हूं. मैंने आपको पहले कहा है यू नीड टू वॉच एटलीस्ट 4 सेशन तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. कनेक्ट होगा बट एक ग्रिप जो बोलते हैं ना कि अरे एकदम परफेक्ट फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड हो गया. क्या पढ़ना है अभी आपको क्लैरिटी नहीं आएगा. वी आर स्लोली स्लोली क्लाइंबिंग अप. तो ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आर्टिकल 246 ए. आज का लॉजिक बताया कि इसमें अमेंडमेंट क्यों आया है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप क्यों पढ़ा रहे हैं मैंने आपको लॉजिक बता के रखा. तो बताओ 246 ए क्यों लाना पड़ा क्योंकि पहले इंडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को मिलता था आज भी वैसे ही है बट वो अलग अलग टैक्स लॉ मिलते थे अलग अलग टैक्स. अभी एक ही टैक्स दोनों को लेना है दोनों मिलके आपको लूटने वाले हैं. मतलब पहले अलग अलग लूटते थे अभी मिलके लूटेंगे आपको. तो उसके लिए आर्टिकल 246 ए भी अमेंडमेंट हुआ. तो ये तीन अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे हुआ आर्टिकल 246 ए में अमेंडमेंट क्यों हुआ मैंने लॉजिक तो बता दिया है ठीक है. तो बाकी सब चीजें आपको पता है आगे. नाउ थोड़ा डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के तीन ऑर्गन होते हैं ध्यान में रखना. एक होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन दूसरा होता है एग्जीक्यूशन ऑर्गन एंड तीसरा होता है जुडिशियल ऑर्गन. पहला कौन सा होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन दूसरा एग्जीक्यूशन एंड तीसरा जुडिशियल. अभी व्हाट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन लॉ मेकिंग अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट यहां पे आता है. क्या आता है मतलब बोलो कॉन्स्टिट्यूशन खुद लॉ बनाता है या पार्लियामेंट को पावर देता है तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन ठीक है. ओके अभी देखो थोड़ा डिस्कशन है पार्लियामेंट के बारे में. नाउ हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन है अभी इंडिया के प्रेसिडेंट ये पूरा नाम पता है. यस क्या नाम है श्री रामनाथ कोविंद करेक्ट. तो ये इंडिया के मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट. अभी आप बोलेंगे सर हमने इनको कोई पार्लियामेंट में देखा नहीं. वेरी ट्रू पार्लियामेंट में सभी लोग तो रहते ही है हमने इनको कभी देखा नहीं. वो जो स्पीकर इन चेयर रहते हैं ना नहीं क्या ऊपर बैठ रहे थे. देखो आपने कभी एनालिस किया कि मोदी जी वगैरह नीचे बैठते हैं ना वो जो स्पीकर रहता है वो ऊपर बैठता है. देखा जाए तो उसका इंडिविजुअल पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से कम है बट वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट
तो जो स्पीकर इन चेयर है उसका लोग क्यों सुनते हैं, सब लोग 5:45 उसके सामने क्यों बैठते हैं, कभी सोचा है? ही इज रिप्रेजेंटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो खुद को क्या, वो खुद को कुछ भी नहीं है उनके सामने। कितने बड़े बड़े लोग सामने बैठे, स्टेट के मिनिस्टर बैठे, उसके सामने उस बंदे का पोजिशन कुछ भी नहीं है। तो ही रिप्रेजेंट प्रेसिडेंट। नाउ यू से सर फिर प्रेसिडेंट क्यों नहीं आते? डर लगता है। काय का डर? इंडिया में क्या कुछ भी फेंक के मारते हैं, चेयर वगैरह, जूते चप्पल कुछ भी फेंक के मारते हैं इंडिया में। आपने देखा कि नहीं, पार्लियामेंट में हंगामा होता है, वो स्पीकर को कुछ भी फेंक के मारते हैं, तो डर के मारे वो आते नहीं है। उनका एक डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए ना। इंडिया में आपको होता है पार्लियामेंट में कुछ भी झगड़ा होता है। कल मैं देख रहा था पार्लियामेंट में, वो अमित शाह जी बात कर रहे थे, उनको कोई बात करने को नहीं दे रहा था। वो स्पीकर बोले शांत रहो शांत रहो, बोले तुम ही शांत रहो हमको बोलने दो। वो बोला शांत रहो, इनका झगड़ा चालू दोनों का, वो स्पीकर इन चेयर ऐसे बैठा है। तो वो डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उनको बोले कि आप मत आओ, ये लोग सब डेंजर लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो वी नीड टू मेंटेन योर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, यू डोंट कम, सेंड रिप्रेजेंटेटिव। सो कुछ अगर बुरा बोला तो भी वो रिप्रेजेंटेटिव को ही बोलेंगे वो, ठीक है? तो ये होता है। नाउ अच्छा प्रेसिडेंट, अच्छा पार्लियामेंट में कितने मेंबर होते हैं? 542 ना? हाँ 542 मेंबर होते हैं। अच्छा पार्लियामेंट में दो होते हैं, पता है ना आपको, लोकसभा एंड राज्यसभा होता है। अच्छा अभी थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि लोकसभा राज्यसभा एंड और एक होता है जिसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री कमेटी। एक्चुअली इसके तीन पार्ट है प्रेसिडेंट, इसके पार्लियामेंट में एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एंड तीसरा पार्लियामेंट्री कमेटी। अभी डिस्कशन करेंगे सर ये लोकसभा होता क्या है। 542 मेंबर होते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा में फर्क क्या होता है ये आज आपको पढ़ाने वाला हूं। वर्ड्स तो आपने सुने रहेंगे, इसको अपर हाउस लोअर हाउस भी बोलते हैं। ये मैंने खुद डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है, और ये डिफरेंस भी मैंने पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स में, बट आई एम श्योर आप भूल गए हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। भूल गए कि नहीं, इस मेरे को पता है, कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो यहां पे हम जिन लोगों को वोटिंग करते हैं ना, हम वोट करते हैं बीजेपी के लिए, हम बोलते हैं हमको कांग्रेस को वोट नहीं करना, फिर बाद में वही एक साथ आ जाते हैं ना, वही वही उसी की बात हो रही है जैसे महाराष्ट्र में हुआ। अभी मेरे को डाउट आ रहा है मेरे वोटिंग पे मैं वोट किसको दे रहा हूं, क्योंकि बाद में कोई भी किसके साथ भी आ जाता है, इट्स चीटिंग ऑफ पीपल। मैंने वोट किया कि बीजेपी को आए या कांग्रेस को आए या जो भी है महाराष्ट्र में, एंड वो आगे जाके उनसे बात, मतलब उनके साथ ही काम करती है। सो नाउ पीपल आर कंफ्यूज कि हम किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है ना? एनीवेज वो अलग इशू है। तो जिनको हम वोट देते हैं, है ना, बोलते ना कि आप हमको वोट दो फिर हम आपको काम करेंगे आपका, वो यहां पर रहते हैं। फिर राज्यसभा क्या होता है? अभी राज्यसभा जो है ना वहां पे इलेक्शन नहीं होता है, दीज आर द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, दीज आर द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। नाउ सुनना, मिस्टर बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने इतना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, मतलब वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। मतलब इसका अगर आप लॉजिक समझेंगे ना क्यों बनाया गया, आप बोलेंगे सर मजा आ गया कि क्या सोच से बनाया है। सोच देखो उनकी कितनी महान सोच थी कि है सर, जरूरत क्या थी सर, 542 मेंबर यहाँ पे है, इनके पास पूरा पावर है लॉ बनाने का। मतलब राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट करने का कुछ पर्पज है, मतलब कुछ लॉजिक है, या आप पढ़ा रहे इसलिए हमको पढ़ना है? लॉजिक है, लॉजिक ये है। देखो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, करंट स्टेट ऑफ इंडिया। इफ यू लुक एट होल नेशन, पीपल वॉन्ट मिस्टर मोदी। सो इंडिया चलाने के लिए हमको मोदी पसंद है। तो जब भी उस तरह के इलेक्शन होते तो पूरे वोट्स, देखो अभी इलेक्शन पूरे बीजेपी को गए, बट स्टेट वाइज लोगों को बीजेपी नहीं चाहिए, वी वॉन्ट डिफरेंट पार्टी स्टेट वाइज राज्यसभा। तो ये क्यों बनाया गया? क्योंकि ऐसा ऐसा जरूरी है क्या कि सेंट्रल को, जिस सेंट्रल में जिस पार्टी को पसंद किया जाएगा उसी को स्टेट में पसंद किया जाएगा? तो ये भी उन्होंने सोच के रखा था कि इट मे हैपन इन इंडिया, एंड ऐसा हो ही रहा है ना। बीजेपी हर एक स्टेट में है क्या? नहीं, कुछ 20-22 स्टेट पे रहेंगी मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, 20 या 23 स्टेट पे है, बाकी सभी स्टेट्स पे कांग्रेस है, अलग अलग मतलब पार्टीज है। तो इसलिए ऐसा बनाया गया कि इट मे हैपन दैट पीपल डोंट वॉन्ट मोदी जी, क्योंकि उनको उस ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम पता नहीं है, जो लोकल पॉलिटिशियन उनको उस एरिया के प्रॉब्लम पता रहते हैं। मोदी जी के लिए उस लेवल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं, बिकॉज सी इंडिया को मैनेज करना एंड उनको पैर देने वाले कितने लोग आपको पता ही है ना। तो इतना प्यार उनको मिलता है लोगों से, बहुत डिफिकल्ट इतना बड़ा देश चलाना। अपन खुद का स्टडी प्लानिंग नहीं कर सकते अकेले का, ये आदमी पूरा देश चला रहा है। हाँ करेक्ट है कि नहीं? अपन एक भी स्टडी शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते खुद का, देखो किस लेवल का कमिटमेंट रहेगा। तो ये राज्यसभा उसके लिए बनाया गया।
सर लेकिन ठीक है, चलो वो समझ में आ गया सर, बट जरूरत क्या है सर राज्यसभा की? अभी प्रॉब्लम तो वही है, जरूरत क्या है? सेंट्रल जब लॉ बनाता है ना, तो सेंट्रल इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन स्टेट, बिकॉज सेंट्रल का पॉलिसी पूरे इंडिया में काम करेगा। अरे हाँ, है ना, जीएसटी लॉ बन गया तो पूरे इंडिया में बनेगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्टेट पे क्या होगा, ये बताने के लिए कोई ना कोई तो वहां पे चाहिए ना हमारा। तो स्टेट वहां पे नॉमिनेट करता है, यहां पे इलेक्शंस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का मेंबर है, रेखा कितने सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस बिना इलेक्शन लड़े वहां पे पहुंचे कि नहीं? हाँ, ये सब वही है, सचिन तेंदुलकर आपको पता है ना, इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये भी थे श्री श्री विजय माल्या, बट वो कांड होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको भागना था ना, तो फिर कैसे होगा, वो भी थे। सो इनको स्टेट रिप्रेजेंट करता है कि तुम आओ स्टेट को रिप्रेजेंट करो, ताकि कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनाना है तो बताओ ये 542 को समझता है क्या स्पोर्ट्स के रिलेटेड? जिनका वो डोमेन उनको उसको कुछ नहीं समझता कि क्या हो रहा है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, मतलब लुकिंग एट करंट पॉलिटिकल सिनेरियो मैं काफी कंफ्यूज हूँ, मतलब मेरे को पता नहीं मैं किसको वोट दे रहा हूँ, बाद में कौन किसके साथ जाएगा, बहुत डेंजर हो गया है। स्पेशली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स। तो इसलिए राज्यसभा के मेंबर्स लाए जाते हैं ताकि उनका भी वो बता सके कि हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, आप समझो उसके हिसाब से लॉ बनाओ। वोटिंग वगैरह उनका ही होगा, बट दे गिव रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन के बाद ही सब कुछ होगा। ठीक है, ओके। नाउ अभी ये दोनों मिलके दो तरह के लॉ बनाते हैं, एक होता है इकोनॉमिकल लॉ एंड एक होता है सोशल लॉ। अभी आपने शायद ये इतना डिटेल पढ़ा नहीं रहेगा कभी, है ना। हाँ, तो अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो इकोनॉमिकल लॉ है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये इसमें आप डिटेल में जाओ मत, अभी इतना समझा आपको पार्लियामेंट का रोल क्या है, बराबर है ना। तो हु इज हेड ऑफ द पार्लियामेंट? हाँ बस। अच्छा, इसमें और एक रहता है, उसको बोलते हैं पार्लियामेंटली कमेटी। सो पार्लियामेंट के तीन पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड तीसरा कौन होगा, पार्लियामेंट्री। वो क्या होता है? सो क्या होता है पार्लियामेंट्री कमेटी? अपोजिशन पार्टी के लीडर, बोलो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी जरूरत है कि नहीं, मजा कैसे आएगा फिर? तो इनकी जरूरत क्या है? ताकि जो रूलिंग पार्टी है उनको बार बार क्वेश्चन किए जाए कि तुम जो कर रहे हो सही कि नहीं, हमको हर एक चीज का जस्टिफिकेशन दो। ऐसा नहीं कि तुम रूलिंग पावर में आ गए मतलब तुम कुछ भी करोगे। देखो कितना सोच के कितना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया गया है, स्टेट को भी अधिकार दिए है, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करने को बोला है, एज अ ऑपोजिशन पार्टी दे कैन चैलेंज एवरी डिसीजन टेकन बाय बीजेपी गवर्नमेंट। राइट नाउ बीजेपी गवर्नमेंट इज अ रूलिंग पार्टी, तो ऑपोजिशन के जो लीडर है, जैसे महाराष्ट्र में फडणवीस जी को क्या अपॉइंट कर दिया, अपोजिशन लीडर, ताकि स्टेट में शिवसेना और जो भी मिलीजुली सरकार है वो जो भी करेंगे उसको फडणवीस क्या कर सकते हैं, हाँ क्वेश्चन, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। मतलब वो स्टेट लेवल पे है, अपन सेंट्रल की बात कर रहे हैं, बट पर्पज वही है। तो ये थर्ड उसका एक पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। तो कभी टीवी पे सुनोगे तो उसका मतलब समझ लेना, इट्स दे आर टॉकिंग ऑफ अपोजिशन पार्टी हु विल क्वेश्चन ईच एंड एवरी डिसीजन टेकन बाय पार्लियामेंट। मतलब इतना पावर होने के बाद भी इतने सारे रिस्ट्रिक्शन डाले, तो बताओ कितना जबरदस्त इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बोलता हूँ वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपना रहेगा। मैंने सभी का तो पढ़े नहीं है बट बहुत जबरदस्त सोच के बनाए, अच्छी बात है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। अच्छा, तीन तीन ऑर्गन होते, बोलो पहला कौन सा ऑर्गन था कॉन्स्टिट्यूशन के? तीन ऑर्गन होते ना, पहला कौन सा था? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। अरे हाँ, है ना, हाँ। वो कौन है वहां पे? पार्लियामेंट। दूसरा कौन सा था ऑर्गन? एग्जीक्यूशन ऑर्गन। एग्जीक्यूशन ऑर्गन का मतलब है ये लॉ का एग्जीक्यूशन जो करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसका एग्जीक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अभी आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में, वो आप मेरे को बताओगे, मैं बताने वाला हूं, आप ट्राई करो, मैं आपको वो डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। आप जीएसटी में चैंपियन बनने वाले, मेरी गारंटी है। आप पेपर की चिंता मत करना, डोंट वरी अबाउट जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है रूलिंग पार्टी, पार्लियामेंट में सभी लोग रहते हैं, है ना, रूलिंग पार्टी प्लस ऑपोजिशन लीडर। श्री श्री लालू प्रसाद जी रहेंगे, ग्रेट राहुल गांधी जी रहेंगे,
तो सब लोग रहते पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी। तो ये जो लॉ बने हैं उसका इंप्लीमेंटेशन का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है एग्जीक्यूशन ऑर्गन। हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो बोलो पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी आप बताइए प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर के लिए सब एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इनके अंडर मिनिस्ट्री बनाई जाती है अलग अलग, हम बोलते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आपने लिए है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसका हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर। बोलो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मैं नहीं, कौन है बोलो, निर्मला सीतारामन, थर्ड आ गए। तो शी इज द हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रहेगा, एचआरडी डिपार्टमेंट रहेगा, बट अपना एरिया कौन सा है, फाइनेंस, इसलिए मैं खाली उस पर बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी क्या करते हैं, उन काम को मिनिस्टर में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, हाँ। सो कैबिनेट मिनिस्ट्री का मतलब है मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, कैबिनेट मतलब वही है। जैसे पीयूष गोयल जी है, वो एक समय ऊर्जा मंत्री थे, अभी रेलवे के मंत्री है, उसको बोलते हैं कैबिनेट। तो जब भी आप टीवी पे सुनेंगे ना, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, मतलब ये जो मिनिस्टर्स है सबको बुला के बड़ा डिसीजन लिया जाने वाला है, बिकॉज दे आर द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, दे हैव ऑल द पावर्स। सेंट्रल में वो है, स्टेट में भी मेजोरिटी जगह पे वही है, बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं आज के स्टेट में, लुकिंग एट द पावर्स दे हैव। कुछ भी मतलब अच्छी चीज की बात कर रहा हूँ, बुरा भी कर सकते हैं बट अच्छे करेंगे, आई होप कि अपने साथ कुछ गलत ना होगा उनकी तरफ से, क्योंकि आपने तो ईमानदारी से वोट दिया है जिसको देना है। तो ऐसे मिनिस्ट्री बनाए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपने लिए कौन सा मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अभी इवन फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, आप सोचो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैनेज करना फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, ये टेक्निकली पॉसिबल, इट्स अ ह्यूज लॉ। अभी आप पढ़ रहे तो कितना बर्डन आपको समझ में आ रहा है, पूरे इंडिया लेवल पे मैनेज करना, इज इट अ जोक। तो इनको सपोर्ट करने के लिए दो बॉडी बनाई गई, आपको पता ही है, एक था सीबीडीटी जो मैंने डायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ा है, एंड दूसरा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, क्या नाम है इसका भी, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अच्छा, तो इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का पहला काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का बर्डन कम करना। कैसे, इंडिया में, अच्छा इन दोनों का काम क्या, इन दोनों बॉडी का, दीज आर द एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इन इंडिया। सो डायरेक्ट टैक्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में होता है, इंडायरेक्ट टैक्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सब पूरा ये देखते हैं, और इसमें ये सारे ऑफिसर्स रहते हैं जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दीज आर द ऑफिसर्स हु आर देयर। अभी अपन इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं इसलिए उसका दिया है मैंने, डायरेक्ट टैक्स के लिए देने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी मैं आपको इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूं। तो ये उसमें इतने सारे उसमें ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये होता है दूसरा ऑर्गन। तो बोलो पहला ऑर्गन कौन सा था, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, दूसरा कौन सा था, एग्जीक्यूशन ऑर्गन। हु इज द, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन में किसको पावर दिया है, पार्लियामेंट को। एग्जीक्यूशन में किसको पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी लास्ट ऑर्गन है जुडिशियल ऑर्गन। अभी होता क्या सर जुडिशियल ऑर्गन, देखो कोई भी लॉ बनेगा तो बताओ डिस्प्यूट होगा कि नहीं होगा, तो कोर्ट वगैरह यहां पे आते हैं, है ना। तो जुडिशियल ऑर्गन का रोल क्या है, जो भी डिस्प्यूट अरेज होगा बिटवीन एसएससी एंड डिपार्टमेंट। जैसे इनकम टैक्स ने आपको नोटिस भेजा कि यू आर लायबल टू पे 20 लाख रुपीज टैक्स, आपका कहने की नहीं मेरा टैक्स तो 8 लाख ही है, तो आप जाओगे उस झगड़ा करने के लिए, है ना। तो जब आप लॉ के लैंग्वेज में आप एग्रीड पार्टी बनते हो ना, क्या बनते हो, तो डू यू टेक एक्शन और नॉट, वो एक्शन लेने के लिए कहां पे जाना है, थर्ड ऑर्गन बनाया गया जुडिशियल ऑर्गन। तो जब भी आपको लगता है कि मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, तो दिस हायरार्की यू कैन फॉलो। अभी उल्टा पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अप्रोच होना है कमिश्नर अपील, उसके बाद ट्राइब्यूनल, उसके बाद हाईकोर्ट, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द हायरार्की वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू चैलेंज नोटिस रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट। उस नोटिस को बोलते हैं शो कॉज नोटिस, क्या बोलते हैं उसको, शो कॉज नोटिस। तो ये हायरार्की अपने को फॉलो करना है।
तो सबसे पहले जाना है कमिश्नर अपील के पास, फिर ट्राइब्यूनल, फिर हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अभी फर्क क्या है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, हाईकोर्ट का विद इन स्टेट होता है, ट्राइब्यूनल विद इन ज्यूरिडिक्शन होता है, ट्राइब्यूनल का भी ज्यूरिडिक्शन रहता है, तो वो उस एरिया में उनके डिसीजन क्या होते हैं, वो अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो ये उनका बर्डन कम करने के लिए सब हायरार्की बनाएगी। यू कैन नॉट अप्रोच डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, तो पहले कमिश्नर अपील के पास जाओ, उसके बाद ट्राइब्यूनल के पास जाओ। तो ट्राइब्यूनल का लोड कम करने के लिए कमिश्नर अपील बनाया गया, हाईकोर्ट का लोड कम करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए हाईकोर्ट बनाया गया। तो ऐसे ही हायरार्की उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। नाउ ये खाली इकोनॉमिकल लॉ में रहता है, जो अपने सोशल लॉ होते हैं ना उसमें सिविल कोर्ट होते हैं। कौन से लॉ में? सोशल लॉ में बोलते हैं ना, सिविल कोर्ट में मैरिज के रिलेटेड कोई इशू है तो वो सब सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है झगड़ा करने के लिए। जो इकोनॉमिकल लॉ है उसके लिए ट्राइब्यूनल होते हैं। पहले इकोनॉमिकल लॉ भी 1992 तक सिविल कोर्ट में ही जाते थे, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, सिविल कोर्ट पे बहुत बर्डन आने लगा, एक एक डिसीजन देने को 10-10 साल। अभी तब तक तो क्या होगा, तो उनका बर्डन कम करने के लिए आई थिंक 1993 उस समय ट्राइब्यूनल बनाए गए। तो अर्लियर ये केसेस भी सिविल कोर्ट में जाते थे। तो सिविल कोर्ट दो तरह के केसेस हैंडल करता था, एक इकोनॉमिकल लॉ के और एक सोशल केसेस जो अलग अलग है, मैरिज एक्ट ये वो सब अलग अलग, प्रॉपर्टी मैटर वगैरह वगैरह, तो ये अलग किए गए। तो पहले खाली सिविल कोर्ट था, बट उनका बर्डन कम करने के लिए क्या किया गया, उसको अलग किया गया है। तो ऐसे ये ऑर्गन बनाए गए। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो तो अभी अपन ने क्या कंप्लीट किया मैं आपको बताता हूँ एक बार। हाँ ये 3 महीने कंप्लीट किया है। अगर आपको चाहिए तो आप नाम लिख के रह सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने ऑर्गन्स हैं, 3। कौन सा है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूशन ऑर्गन है, जुडिशियल ऑर्गन। आप चाहे तो लिख के रखो, उसके नीचे फिर क्या लिखना है मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। बस ज़्यादा नहीं लिखना है। लेजिस्लेटिव के नीचे क्या लिखोगे? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूशन के नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जुडिशियल के नीचे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। खाली कोर्ट लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखो चलेगा, जस्ट फॉर नॉलेज लिख के रखना। एंड फिर इस एक एक पार्ट को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इंडिया में लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होता है। हो गया? ओके चलो नाउ अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहले ऑर्गन में कौन रहता है? पार्लियामेंट। दूसरे में सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड तीसरे में कोर्ट। आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया? ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये भी हो गया। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इकोनॉमिकल लॉ। अब इसमें 3 पार्ट में लॉ डिवाइड होता है। पहला होता है लेवी। लेवी का मतलब है क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो जीएसटी में लेवी कैसे होगा मैं बताऊंगा। दूसरा होता है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्वांटिफिकेशन, कितना जीएसटी भरना है। एंड तीसरा पार्ट होता है कलेक्शन। तो ये लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अपन जो पढ़ने वाले, मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इकोनॉमिकल लॉ, इट्स नॉट इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिकल लॉ। एंड उसमें 3 पार्ट में लॉ डिवाइड किया जाता है कि लेवी होगा, फिर असेसमेंट होगा, एंड फिर क्या होगा, कलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन था। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज ओनली फॉर यू इन्फॉर्मेशन। इसमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं आपको जो लॉ पढ़ाने वाला हूँ
उसका एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि आपने को तीन चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा मतलब जीएसटी में इवेंट क्या है, वो लेवी का सप्लाई करके इवेंट है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट उसके लिए चैप्टर फोर तक वेट करना पड़ेगा जहां पर मैं सप्लाई के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एक वर्ड के ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन है, लगभग 8-10 घंटे का रहेगा, सो ह्यूज डिस्कशन। दिखने के लिए वर्ड काफी आसान है, सप्लाई है, बट डिस्कशन बहुत बड़ा है। फिर असेसमेंट करना है, फाइंड आउट करना है कितना जीएसटी, एंड तीसरा कलेक्ट करना। ऐसे तीन पार्ट में लॉ को डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ नए टर्म वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अच्छा, एक्ट कौन बनाता है बताओ? पार्लियामेंट बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, ये मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, तो लॉ इज अ वाइडर टर्म, तो वेरियस एक्ट ब्रिंग टुगेदर बिकम्स लॉ। अच्छा, अभी ये अपन ने कुछ पढ़ा है क्या? हाँ, अभी ये क्या है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये आपने टर्म सुने हैं, बट ये टेक्निकल लेवल पे इसका मतलब क्या है और ये होते क्या है? तो एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट, आपको पता है। अच्छा, ये एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सुनो, इन सबको मिलाएंगे तो बनता है लॉ। So, ये सब लॉ का क्या है? पार्ट है। और इसमें और एक होता है केस स्टडी, क्या होता है? ये सब बन के क्या मिलता है? लॉ। सो लॉ कवर्स एवरीथिंग। इसलिए मार्केट जब भी आप लॉ का कोई रेफरेंस बुक लेते हो तो यू गेट एवरीथिंग इंक्लूड इन दैट, सर्कुलर, अमेंडमेंट, वो सब उसमें आ जाता है, रूल्स, नोटिफिकेशन, सब आता है। तो अभी मैं एक एक वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, ये रूल्स होते क्या है। हाँ, ये मैंने खुद पढ़ा है, रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है फॉर इंप्लीमेंटेशन। बट रूल्स की जरूरत क्या है सर, ये बताओ, लॉजिक बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। सी, पार्लियामेंट के लिए प्रॉब्लम क्या, देखो इंडिया में इतने सारे लॉ बनाने हैं, तो पार्लियामेंट ने लॉ तो बना दिया, बट उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी मैटर्स टू डिस्कस इन पार्लियामेंट। खाली डायरेक्ट टैक्स थोड़ी है और इंडा टैक्स थोड़ी है ना, टेररिज्म है, वुमन सेफ्टी है, एजुकेशन है, पब्लिक वेलफेयर है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ इश्यूज विच आर पेंडिंग ओवर देयर। सो गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं है, पॉइंट नंबर वन। इसलिए बोलते कि हम लॉ बना के देते, एक्ट बना के देते, लॉ नहीं, एक्ट बना दे देंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए तुम रूल्स बनाओ। क्या बनाओ? तो रूल्स, उसके लिए तो रूल्स बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन। सर बट जरूरत क्या है रूल की? सर रूल की जरूरत यह है, जब भी कोई एक्ट पास होता है ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए डिपेंड ऑन केस टू केस आपको एक्सेप्शन बनाने पड़ते हैं, कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज देने पड़ते हैं, तो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रूल्स। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको देता हूं। आपने अगर पीजीपीपी पढ़ा है, पीजीपीपी में अपन एक सेक्शन 40A3 पढ़ा है, जहां पे कैश पेमेंट 10,000 और 35,000 के ऊपर अलाउड नहीं है, वो तो सेक्शन है, पर उसको रूल 6 करके लिखा जाता है। तो वो रूल 6 में, वो तो रूल क्यों बनाया गया, क्या होता है सुनो, आपने कोई पेमेंट 25,000 में कैश में कर दिया, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको, क्योंकि आपका इनकम टैक्स आपको आइडिया, अभी जीएसटी का पहला लेक्चर है, आपने 25,000 रुपये कैश में दे दिया, अभी इनकम टैक्स का ऑफिसर क्या बोलेगा, ये हम डिसअलाउ करेंगे। क्यों डिसअलाउ करेंगे? क्योंकि कैश पेमेंट इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, 10 के ऊपर 25,000 पूरा डिसअलाउ होगा। आप बोलेंगे सर ये जेन्यून रीजन था, क्योंकि 6 दिन का बैंक हॉलीडे है और जब तक मैं उसको पैसा नहीं दूंगा मेरे को मटेरियल नहीं मिलेगा, मैं बिजनेस कैसे करूंगा, एंड आपके एक्ट के लिए मैं क्या मेरा बिजनेस बंद करके बैठूं? सो इट्स अ जेन्युइन रीजन, आप चेक कर सकते हैं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है। आई हैड टू गिव कैश पेमेंट बिकॉज बैंक वॉज क्लोज्ड ड्यू टू पब्लिक हॉलीडे फॉर नेक्स्ट 6 डेज, दिवाली में बैंक बंद था, मैं बिजनेस कैसे करूंगा, और मेरा सीजन दिवाली में रहता है, सो आई हैड टू मेक कैश पेमेंट, नो ऑप्शन अवेलेबल। मेरे को एम्प्लॉय को सैलरी देना था, बैंक बंद था, उनको पगार नहीं दूंगा तो दिवाली कैसे मनाएंगे वो, उनको बोलूँ क्या सेक्शन 43 अप्लाई होता है, मत बनाओ दिवाली। दीज आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, आप समझो, फिर कहूंगा ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर रूल्स बनाए गए कि वाह ठीक है इस केसेस में कैश पेमेंट अलाउ किया जाएगा। हाँ, इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक्ट बनाते समय उसमें क्या क्या चैलेंजेस आगे आएंगे वो उस समय समझ में नहीं आता है, वो समय समय पर समझ में आता है कि अरे इंप्लीमेंट करने में तकलीफ आ रही है, फिर उसके लिए रूल्स बनाए गए। गवर्नमेंट बोला कि हेलमेट पहनना कंपल्सरी है, बन गया एक्ट। हेलमेट पहनने के बाद अभी हेलमेट के टाइप्स में हजारों टाइप्स है,
तो लोग कुछ भी पहन के आने लगे, किसी के घर पर हेलमेट नहीं था एक दिन तो बर्तन पहन के आ गया। आई नो इट्स अ बैड एग्जाम्पल, मैं आपको समझा रहा हूं। बोलेगा मेरे लिए हेलमेट है ना, नाउ आप पुलिस ऑफिसर को कैसे चैलेंज करोगे? मेरे लिए हेलमेट है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो रूल्स में लिखा जाएगा कि भाई हेलमेट मतलब ये वाले चलेंगे, बर्तन बिर्तन नहीं चलेंगे, मर जाओगे तुम पहले खुद ही, नेकपेन हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक्ट में आप, और सुनो, एंड अगर एक्ट में भी लिख सकते हो बट कितने बार तुम एक्ट को अमेंड करोगे? रोज। फिर पार्लियामेंट के जो लोग हैं ना, वो 365 दिन वहीं पे रहेंगे। पार्लियामेंट वर्क्स इन सेशन, पता है ना, विंटर सेशन वगैरह। अरे वो सब मिनिस्टर अगर वहीं पे रहेंगे, एक तो ऑलरेडी कितना काम करते आपको पता है, एंड अगर आप उनको 365 डेज वहां पर बिठाओगे तो अपने लिए काम कौन करेगा? सो वी कैन हैव पार्लियामेंट के ऑफिस टुडे 9 to 6, रोज आना है, चलो आज का अमेंडमेंट हाँ करो, लेके आओ, रोज अमेंडमेंट, रोज अमेंडमेंट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्ट में एक दो बार अमेंडमेंट हो सकता है। तो एक स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर फिर एक्ट में क्यों नहीं इंकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रूल्स का भी इंपॉर्टेंस है ही। यस, बट एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए बार बार, और पार्लियामेंट को एक ही काम है, हजारों लॉ पे काम करना है, मतलब हजारों चीजों पे काम करना है, तो उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट जो है, ओके, सो बोलो, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। एंड रूल्स कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट लेवल पे स्टेट भी इशू करता है। तो रूल्स कौन इशू करता है? सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी कुछ मैं आपको नोट्स लिख के दे रहा हूं, आप प्लीज जरा नोट डाउन करना नोटबुक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें लिख के दे रहा हूं, एंड एक बड़ा बुक लेके रखना है, क्योंकि जीएसटी में अपने को बहुत सारे डायग्राम बनाना है। सो प्रॉपर बुक लेना है, मिनिमम 200 पेजेस का। ओके, आई बी गिविंग यू मेनी डायग्राम्स, मोर देन 30-40 डायग्राम्स होंगे, 50 भी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आज मैंने आपको 2-4 डायग्राम दिखा दिए हैं, तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कुछ अपन अभी आज के इतने इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको फोर्स नहीं किया, बट आगे जो डायग्राम मैं बनाऊंगा वो आपको बनाना है कंपलसरी। चलो, तो पहले लिखो थोड़ा रूल्स। लिखो रूल्स, हेडिंग लिखो रूल्स, उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इन रूल्स, इट इज इश्यूड फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। इट इज इश्यूड फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार करके लिखना, इट इज बाइंडिंग ऑन टैक्सपेयर एंड डिपार्टमेंट। अभी नेक्स्ट लिखो रेगुलेशंस, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रिगार्डिंग रूल्स। अभी लिखो रेगुलेशंस, लिखो उसमें पहला पॉइंट, रिक्वायर फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। मैंने वर्ड चेंज किया, वो इंप्लीमेंट था, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। अभी देखते किसको कुछ याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बढ़ाया था कि दो बॉडीज बनाई गई फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कुछ याद है क्या? सीबीडीटी एंड, हाँ, तो अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है वो कहां से आते हैं? सीबीआईसी। तो लिखो नेक्स्ट लाइन पे, इशूड बाय सीबीआई एंड सी, आप चाहे तो सीबीडीटी भी लिख सकते हैं बट कंफ्यूजन ना हो, दोनों लिखो आपके ऊपर है। बट आप बोलेंगे सर इनडायरेक्ट टैक्स में सीबीडीटी कहां से आ गया, इसलिए मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं,
तो यू शुड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. अच्छा, बट ये होता क्या, मतलब सब अभी रूल्स बन गए, रूल्स का लॉजिक बताया, ये रेगुलेशन की जरूरत क्या है, पहले ये बताओ सर. ये क्या, ये तो टेक्स्ट बुक में भी लिखा है जो आपने लिख के दिया है, सही है, जरूरत क्या है रेगुलेशन की बताओ. प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं जीएसटी के फॉर्म भरता हूं, वो तो जीएसटी के फॉर्म कैसे होने चाहिए, वो पूरा काम सीबीआईसी करता है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए. लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंट होने के बाद उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो जीएसटी के रिटर्न के फॉर्म्स कैसे होने चाहिए, जैसे इनकम टैक्स में पैन कार्ड का फॉर्म कैसे होना चाहिए, इनकम टैक्स का रिटर्न के फॉर्म कैसे होने चाहिए, ये सब काम सीबीडीटी करता है. और यहाँ पे ये काम कौन करता है, सीबीआईसी करता है. तो जितने भी फॉर्म्स वगैरह है जीएसटी में, अगर अपन आगे जाके बहुत सारे फॉर्म पढ़ने वाले, वो पूरा काम कौन करता है, ये पूरा कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन टैक्स एंड कस्टम, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये एक्ट अगर प्रॉपरली एडमिन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो क्या क्या नेसेसरी, वो सब वो करते हैं. ठीक है, ओके. एंड लिखो सेम बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर एंड डिपार्टमेंट, दोनों लिखो, बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर एंड डिपार्टमेंट. नेक्स्ट लिखो नोटिफिकेशन. अब इसमें नोटिफिकेशन क्या होता है, रूल्स समझ में आ गए, रूल्स फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इशूड बाय सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, दोनों का फर्क समझ में आ गया. सर नोटिफिकेशन वर्ड भी हमने बहुत बार सुना है बट मतलब नहीं समझा एग्जैक्टली होता क्या है. लिखो, तो लिखो नोटिफिकेशन. अच्छा नोटिफिकेशन होता क्या है, कोई आइडिया, वर्ड तो सुना है, एनी गेस वर्क, क्लैरिफिकेशन अलग होता है, रिमाइंडर. इट इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल एस्पेक्ट, जैसे जीएसटी में किसी चीज को एग्जेम्प्ट करना है तो आता है नोटिफिकेशन कि आज से इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, नोटिफिकेशन. ये ना तो रूल है ना तो रेगुलेशन है. हाँ, तो कोई नई चीज लेके अपने को आना है, फिर आप बोलेंगे सर फिर एक्ट में क्यों नहीं लाया गया, अरे पार्लियामेंट 2400 घंटे काम नहीं करता है. नेक्स्ट टाइम उस नोटिफिकेशन को पास किया जाएगा ना, पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पास होगा वो एक्ट बन जाएगा. बट अभी एक्ट तो बन चुका है ना, बार बार कितने अमेंडमेंट करोगे तुम, समझ में आ रहा है क्या, हर बार सभी लोगों को एक साथ होना पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि इंडिया में तो बजट फेब्रुवरी में बनता है, सबको पता है हर साल. हाँ, तो फेब्रुवरी तो होगा, उसके बाद जो भी होता है वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में होता है, क्योंकि रोज कैसे अमेंडमेंट लेंगे आएंगे, क्योंकि अगेन वी नीड सब लोग वहां पे, पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली, रोज बुलाएंगे तो फिर अपना काम कौन करेगा, तो इसलिए लगते हैं नोटिफिकेशन. सो लिखो नोटिफिकेशन, लिखो सेम दोनों, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल लॉ एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट लॉ. नेक्स्ट, इशूड बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेटी. ऑफिशियल गजेटी का मतलब होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखो, इट इज रिलेटेड टू एग्जेम्प्शन और प्रोसीजर. It is related to exemption or procedure. ठीक है, and now last circular and clarification. मैंने स्क्रीन पे पहले पॉइंट पे लिखा है, पढ़ सकते हैं, सर्कुलर्स क्या लिखा है, इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी,
इट्स ए इंस्ट्रक्शन टू डिपार्टमेंट फॉर एप्लीकेबिलिटी लॉ इफ देर इज एनी एम्बिग्युटी. तो जहां पे कोई कंफ्यूजन होता है वहां पे इशू करती है सर्कुलर. एग्जाम्पल देता हूं, सिलेबस चेंज हो गया, बच्चे कंफ्यूज कि अरे मैं तो ओल्ड में रजिस्टर था, मेरे को न्यू में जाना पड़ेगा क्या, फिर पूरे ग्रुप के जाना पड़ेगा या नहीं. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे क्या आता है, सर्कुलर आता है, सर्कुलर क्लेरिफिकेशन. तो सर्कुलर कब इशू करते हैं, व्हेन देयर इज एनी एम्बिग्विटी इन लॉ, लोगों को कंफ्यूजन है, तो उस समय सर्कुलर आता है. क्या आता है, एंड सर्कुलर फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे लिए नया सिलेबस तीन एग्जाम तक, ओल्ड सिलेबस तीन एग्जाम तक चलेगा, जो भी एक्स वाई जेड है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर. ठीक है, तो लिखो पॉइंट नंबर वन, सर्कुलर इशूड व्हेन देयर इज अ एम्बिग्विटी इन लॉ, इतना ही लिखो सर्कुलर में. लिखो पहला पॉइंट, इशूड व्हेन देयर इज अ एम्बिग्विटी इन लॉ. इशूड व्हेन देयर इज अ एम्बिग्विटी इन लॉ. अच्छा, कौन इशू करेगा, सेम सीबीआईसी पूरा. हाँ, लिखो इशूड बाय सीबीआईसी. लास्ट पॉइंट इज वेरी क्रुशियल, इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन एसएससी. इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन एसएससी. सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लास्ट लाइन में दिख रहा है आपको पीपीटी पे, मतलब आप उस सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हो. तो जीएसटी में बहुत सारे सर्कुलर आए, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. तो जब भी मैं आपको सर्कुलर पढ़ाऊंगा, आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि सर ने कहा था कि जहां जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे सर्कुलर देंगे. तो आपको जहां जहां पे रिक्वायर्ड है सर्कुलर्स, मैं जहां पे बोलूंगा ना सर्कुलर, आज का लेक्चर याद आना चाहिए कि अरे सर ने बोला था कि सर जो पढ़ाने जा रहे हैं वहां पे लॉ में कुछ एम्बिग्विटी था, जो सर्कुलर ने क्या किया, क्लियर किया है. एंड आपके रिलेटेड सर्कुलर मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस चेंज हो गया, एग्जाम्पल अज्यूम करो, तो जो ओल्ड में उनके लिए भी वो नया अप्लाई होगा कि नहीं होगा. गवर्नमेंट सर्कुलर इंस्टीट्यूट क्या करता है, सर्कुलर इश्यू करता है कि भाई तुम्हारे लिए तीन एग्जाम तक नहीं होगा. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, तो उसको एसएससी क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है. तो ये वर्ड समझ में आ गए, रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड क्लेरिफिकेशन. तो एक बार रिवाइज करते बोलो, रूल्स क्यों इश्यू किए जाते हैं, पार्लियामेंट को टाइम नहीं है रूल बनाने के लिए. और रूल्स मतलब क्या है, कुछ ना कुछ थोड़ा लोगों को एक्सेप्शन देने पड़ेंगे, इतना स्ट्रिक्टली एक्ट फॉलो करना पॉसिबल नहीं है. देयर आर जेन्युइन केसेस आल्सो, तो उस केस में रूल बनाए जाते हैं फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन. रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बराबर हो, कौन सा फॉर्म भरना है सब. नोटिफिकेशन क्यों लाए जाते बोलो, हाँ कुछ एग्जेम्पशन देना है गुड्स को या टैक्स रेट बढ़ाना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो उसके लिए लाए जाते हैं नोटिफिकेशन. एंड सर्कुलर क्या करता है, लॉ में कोई एम्बिग्विटी है, कोई कंफ्यूजन, उसको क्या करता है, क्लियर करता है. तो ये चार वर्ड आप ध्यान में रखना, आगे जाके वर्ड बार बार जीएसटी में भी यूज करने वाला हूँ, रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन सर्कुलर. तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ रूल्स उसका मतलब क्या है वो आपको समझ में आएगा, तो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ बोलो, याद है आपको समझ में आ गया, तो बोलो हमने इस लेक्चर में, अभी ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, बोलो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, खाली बताओ. मैंने खाली कुछ भी नहीं, खाली आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड बताया आपको. तीन ऑर्गन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना इस लेक्चर में, कौन से तीन ऑर्गन, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूशन एंड, हाँ इतना टेक अवे इस लेक्चर में से, बाकी कुछ नहीं चाहिए अपने को. एंड बस बाद में जो चार शब्द मैंने आपको पढ़ाया, कौन से, रूल्स रेगुलेशंस, हाँ. एंड और एक पॉइंट मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डबल टैक्सेशन कैसे नहीं हो रहा है, जो मैंने आपको लॉजिक बताया, बस इतना ही लेक्चर का टेक अवे है. इतना समझ में आ गया तो मोर देन हैप्पी. तो अभी अपन ब्रेक लेते हैं एंड फिर बाकी के जो है वो अपन अगले लेक्चर से पढ़ेंगे. इज दिस क्लियर, चलो थैंक यू.